गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड की अपने सीरीज के 10th वीडियो की। टॉपिक बेहद खास है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बेहद इंपॉर्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश रिजर्व। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब तक आप कोई शेयर परचेस कर रहे हैं, सो हर उस शेयर के पीछे एक कंपनी काम कर रही है। आप कोई भी शेयर बाय करते हैं अगर, तो उस शेयर के पीछे एक कंपनी काम करती है, और किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में वो है कैश। और यही एक पर्टिकुलर टर्म है कैश रिजर्व, जो कि किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ओके, सो आज के इस पूरे सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि कैश रिजर्व बेसिकली बैलेंस शीट पर क्या इंडिकेट करता है, अलग अलग परिस्थितियों में कैश रिजर्व के क्या मायने हो सकते हैं, और वो कौन से पर्टिकुलर टाइप्स हैं जहां पर कैश रिजर्व में आने वाले चेंजेस आपको पहले से सचेत करते हैं मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी की स्ट्रेंथ या फिर उसकी वीकनेस के लिए। ओके, सो शुरू करते हैं। सेम वही मनी कंट्रोल की वेबसाइट, और इसमें अगर आपको किसी कंपनी की कैश रिजर्व के बारे में जानना है तो सबसे पहले नॉर्मल खोलिए मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल के बाद में ओपन कीजिए, इसके कोट बॉक्स में कंपनी का नाम डालिए, जैसे कि हमने डाला इन्फोसिस। और सबसे पहले आपको जो मेन पेज मिलेगा इसका ओवरव्यू, और इस ओवरव्यू के बाद फाइनेंशियल्स के अंदर जाइए, ओल्ड फॉर्मेट, और ये जो पहला सबसे पहला पार्ट है ये है बैलेंस शीट का, और इस बैलेंस शीट में आपको मिलेगा कैश रिजर्व। ओके, सो इसी कैश रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स कि बेसिकली कैश रिजर्व है क्या। कैश रिजर्व, अगर आप ये समझिए कि कोई कंपनी एक इंसान के तौर पर काम कर रही हो, तो एक इंसान के पास जितना कैश आज की डेट में अवेलेबल है, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स। सो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं कंपनी के सेंस में, कैश पैसा जो भी उसके पास है बैंक में, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे एक साल के अंदर कैश जनरेट किया जा सके, बेहद शॉर्ट टर्म में कैश जनरेट किया जा सके। तो यहाँ पर आपके समझने के लिए हम ये मानते हैं कि इस कंपनी के पास में कैश है। ओके, सो कैश रिजर्व का मतलब है कि कंपनी के पास में जितना कैश अवेलेबल है वो। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है इस कैश रिजर्व की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैश रिजर्व आने के कंपनी के पास में तरीके क्या क्या हैं, कि कहाँ से कंपनी के पास कैश रिजर्व आ सकता है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि कंपनी के पास कैश रिजर्व कहाँ से आता है, कि कंपनी अपने जो शेयर्स है वो मार्केट के अंदर बेचे, जो कि आप जानते हैं कि टोटल शेयर कैपिटल जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है कि कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स बेच रही है, उससे कंपनी के पास कैश आ रहा है। दूसरा तरीका और क्या है कि कंपनी जो अपना धंधा कर रही है, उस धंधे में कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को कंपनी अपने कैश रिजर्व के अंदर रखती है, इसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो कठिन शब्दों में नहीं जाते हैं, ये समझिए कि जितना प्रॉफिट होता जा रहा है कंपनी उसको अपना जेब में रखती जा रही है। एक तो ये तरीका है कैश रिजर्व का। और कंपनी के पास कैश कहाँ से आ सकता है, मान लीजिए कि कंपनी के पास में कोई ज़मीन है, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, अगर कंपनी ने उस ज़मीन या उस प्रॉपर्टी को अपनी बेच दिया तो वहाँ से कंपनी के पास में कैश आ सकता है। और कैश कहाँ से आ सकता है, कंपनी के पास में किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, या डिबेंचर्स हैं, या बॉन्ड पेपर्स हैं, वो मैच्योर हुए फिक्स डिपॉजिट थे कंपनी के, वो मैच्योर हुए, उससे कंपनी को पैसा मिला, वो है कंपनी का कैश रिजर्व। सो ये कुछ तरीके हैं जहां से कंपनी के पास में कैश रिजर्व आ सकता है। नाउ हमारे लिए, एक रिटेल निवेशक के लिए, इस कैश रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज जो एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है, वही एक कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या, अगर किसी इंसान के पास में बहुत सारा कैश है तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। अगर किसी इंसान के पास कैश नहीं है, वो कैश चाहे उसकी जेब में हो या बैंक के अंदर हो, एक ही चीज़ है। अगर इंसान के पास कैश नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी वीक है। सो सेम वही चीज़, अगर किसी कंपनी के पास आपको कैश अच्छा खासा दिखता है, जैसा कि
इन्फोसिस की बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको कैश दिख रहा है, ये करोड़ में है, तकरीबन कितना 47,000 करोड़, और आज की डेट में अगर हम कहें तो 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपीज़ का कैश रिजर्व है कंपनी के पास में। तो ये बताता है कि अगर कंपनी का कोई बुरा वक्त आ भी जाए, कंपनी के किसी प्लांट में, किसी ऑफिस में आग लग जाए और कुछ भी हो जाए कंपनी के साथ, कंपनी के पास इतना कैश है कि वो इस कैश से उसकी भरपाई कर सकती है, कंपनी को कोई समस्या नहीं आएगी निकट भविष्य में किसी भी तरह की। अगर कंपनी के ऊपर कोई सू कर दिया जाता है, किसी तरह का कोई केस कर देते हैं, तो उस केस से निपटने के लिए भी कंपनी के पास सफिशियंट पैसा है। यानी कैश रिजर्व हमें ये बताता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। अब इस कैश रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, साल दर साल कंपनी का कैश रिजर्व लगातार बढ़ते रहना चाहिए है। ये इन्फोसिस को ध्यान से देखिए, 47,000 करोड़, देन 60,000 करोड़, देन 66,000 करोड़, देन 62,000 करोड़, साल दर साल कैश रिजर्व बढ़ रहा है। अगर किसी कंपनी का कैश रिजर्व साल दर साल बढ़ता रहता है तो ये इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी के पास कैश बढ़ता जा रहा है। नाउ अभी फ्रेंड्स डिटेल में मत जाइए कि कैश बढ़ रहा है तो कंपनी कैश के ऊपर बैठी हुई है और बहुत से महान इन्वेस्टर्स ने कहा है कि कंपनी को कैश पर नहीं बैठना चाहिए, उसे कैश को कहीं निवेश कर देना चाहिए। वो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ सबसे पहले वन स्टेप एट ए टाइम, पहले ये बेसिक जान जाइए, ठीक है। सो कैश रिजर्व अगर किसी भी कंपनी का बढ़ रहा है ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। बट अब आप कहेंगे कि अचानक लास्ट ईयर में 62,000 करोड़ से कंपनी का कैश रिजर्व कम हुआ है 60,000 करोड़, तो जहां कंपनी के पास इतना बड़ा कैश रिजर्व है वो अगर किसी एक साल थोड़ा सा कम होता है तो ये घबराने वाली बात नहीं है। कई बार बड़ी कंपनीज दूसरी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण जब करती हैं तो पूरा पैसा कैश में पे कर देती हैं, तब उनका कैश रिजर्व थोड़ा सा घट सकता है। या कई बार वो नया प्लांट डाल रही हैं, अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर रही हैं, ज़मीनें खरीद रही, कुछ भी कर रहे हैं, अपने खर्चों में से कुछ खर्चे वो अपने कैश से पूरे कर देते हैं। उस हालत में आपको कई बार कैश थोड़ा सा घटता हुआ मिलेगा, बट थोड़ा सा घटता हुआ कैश और बहुत ज़्यादा घटते हुए कैश में बहुत फ़र्क है। बहुत ज़्यादा घटते हुए कैश रिजर्व के एग्जाम्पल अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। सो कैश रिजर्व के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी के पास कैश रिजर्व होना चाहिए, और दूसरा कैश रिजर्व साल दर साल बढ़ते रहना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज क्या कि कैश रिजर्व की तुलना में जो कंपनी का लोन है वो कम होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए आगे, MRF शानदार कंपनी, सबको पता है करेंटली 55,000 रुपए पर एक शेयर ट्रेड कर रहा है। ध्यान से देखिए कंपनी का कैश रिजर्व 4,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,500 करोड़, 9,500 करोड़, 10,500 करोड़, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंट तरीके से कैश रिजर्व बढ़ रहा है। ये किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब जरा इसकी तुलना में कंपनी का टोटल लोन देखिए, टोटल डेट दिख रहा है कंपनी का कितना, 1,800 करोड़, 1,900 करोड़, 1,800 करोड़, 1,500 करोड़, 1,400 करोड़। यानी कंपनी का लोन कंपनी की शेयर की जो कैश रिजर्व है उसकी तुलना में बहुत कम है। 10,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और लोन केवल 2,000 करोड़ का। यानी आज की रेट में अगर कंपनी चाहे तो अपना पूरा का पूरा लोन चुका सकती है, MRF पूरा लोन चुकाकर डेट फ्री हो जाएगी। ये वो चीज़ है फ्रेंड्स जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। सिर्फ कैश रिजर्व नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कंपनी के कैश रिजर्व और डेट का कंपैरिजन कितना है। और हम ये मानकर चलते हैं कि कैश रिजर्व हमेशा कंपनी के लोन से दोगुना होना चाहिए। जब इतना है, अगर कंपनी डेट फ्री है तब तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर डेट है भी कंपनी के पास तो कैश रिजर्व के आधा ही डेट होना चाहिए। अब जरा कुछ कंपनियों की एनालिसिस करते हैं, उनकी बैलेंस शीट देखते हैं और देखते हैं कि कंपनी का कैश रिजर्व कैसा है और साथ ही साथ उनके डेट की क्या हालत है। बजाज स्टील इंडस्ट्रीज, इस शेयर को हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने ही हमें बताया और पूछा था एक दिन कि इस शेयर में क्या करना है, और उसके बाद जब हमने इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की तब ध्यान से देखिए कंपनी का कैश रिजर्व, सिर्फ कैश रिजर्व और डेट कंपेयर करेंगे। कैश रिजर्व ध्यान से देखिए 70 करोड़, 68 करोड़, 59 करोड़, 68 करोड़, 76 करोड़। यानी कैश रिजर्व अप्रॉक्सीमेट स्टेबल है 70 करोड़ के आसपास, बढ़ नहीं रहा 5 सालों में। टोटल डेट ध्यान से देखिए 80 करोड़, 77 करोड़, 78 करोड़, 80 करोड़, 75 करोड़। डेट करीब करीब 75 करोड़ के आसपास में स्टेबल है और कंपनी का कैश रिजर्व कंपनी के डेट के ऑलमोस्ट बराबर है। अब ये बताइए कि किसी आदमी के पास अगर 100 रुपये जेब में है या बैंक में टोटल मिलाकर और 100 रुपये का उसके पास में उधार है, तो क्या आप उस आदमी को और पैसा देंगे लोन, इन कंपैरिजन ऑफ उस आदमी के जिसके पास बैंक में 100 रुपये है और उधार 1 पैसे का भी नहीं है। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फाइनेंशियल हालत किसकी अच्छी है,
सिंपल आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि क्या ये स्थिति देखते हुए बजाज स्टील इंडस्ट्रीज में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर कि कैश रिजर्व बढ़ नहीं रहा है कंपनी का और लोन ऑलमोस्ट कैश रिजर्व के बराबर है, डेट जो है वो कैश रिजर्व के बराबर है, क्या बजाज स्टील में आप बाय करेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। सेकेंड, ओरिएंट सीमेंट, ध्यान से देखिए कंपनी का कैश रिजर्व 9,500 करोड़, माफ कीजिएगा 950 करोड़, 1,000 करोड़, 950 करोड़, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। पिछले 5 सालों में कंपनी का कैश रिजर्व ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के पास स्टैटिक है, 5 साल हो गए हैं। कंपनी का टोटल डेट ध्यान से देखिए 1100 करोड़, 1284 करोड़, 1287 करोड़, 1262 करोड़, 1230 करोड़, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ पर स्टैटिक है कंपनी का टोटल लोन और कंपनी का टोटल कैश रिजर्व स्टैटिक है 1000 करोड़ पर। अगर आज की रेट में कंपनी अपना पूरा पूरा लोन चुकाना भी चाहे तो भी कैश रिजर्व से लोन नहीं चुका सकती, कंपनी को अपना कुछ ना कुछ पार्ट बेचना पड़ेगा ओरिएंट सीमेंट को, तब जाकर उसका लोन चुकेगा। क्या ओरिएंट सीमेंट इतना देखने के बाद आप बाय करेंगे सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर? अब देखिए पिटी इंजीनियरिंग, और फ्रेंड्स ये वो सारे शेयर्स हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछे हैं वीडियोस में, ओके, लाइव सेशन जो होते थे उसके अंदर पूछे हैं एनालिसिस में, ठीक। कैश रिजर्व ध्यान से देखिए 103 करोड़, 93, 98, 134, 161 करोड़, यानी कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, कम से कम पिछले 4 सालों में तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। बट सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, टोटल डेट ध्यान से देखिए 136, 162, 165, 236, 227 लगातार बढ़ रहा है कैश रिजर्व, माफ कीजिएगा कंपनी का डेट। तो कंपनी का कैश रिजर्व तो बढ़ रहा है लेकिन उसी के कंपैरिजन में कंपनी का लोन भी बढ़ता जा रहा है और टोटल कैश रिजर्व से कंपनी का लोन बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस कंपनी को बाय करना चाहिए पीटी इंजीनियरिंग को? कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा फ्रेंड्स, आपके जवाब बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी आपके दिमाग। अगर आप सिंपल बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह इसे सुनेंगे तो आज सुना कल को भूल जाएंगे और यूज़ नहीं करेंगे, और नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज नो नॉलेज। सो जो आप नॉलेज यहाँ ले रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, ये चीज़ें आपकी हैबिट के अंदर आ जाएंगी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी शेयर को बाय करने चलेंगे तो उससे पहले एक बार उसका कैश रिजर्व और उसके डेट का कंपैरिजन ज़रूर करेंगे। सेकंड, रिलायंस कम्युनिकेशन आइडल एग्जांपल है ये, ज़रा ध्यान से देखिए मार्च 15 में कंपनी का कैश रिजर्व 34,000 करोड़ रुपये था और कंपनी का टोटल डेट 27,000 करोड़। मार्च 16 में ज़रा ध्यान से केवल कैश रिजर्व देखिए 34,000 करोड़, 26,000 करोड़, 22,000, 7,000, 11,000, यानी कॉन्टीन्यूअसली कंपनी का टोटल कैश रिजर्व घटता जा रहा है और किस रफ्तार से घट रहा है। और कंपनी का टोटल डेट 27,000, 27,000, 26,000, 27,000, 28,000, डेट वहीं का वहीं है, कंपनी का कैश रिजर्व घट रहा है। मार्च 16 में कंपनी का डेट और कंपनी का कैश रिजर्व एग्जैक्ट एक बराबर हो गए थे। अब ज़रा चार्ट पर एक बार आर कॉम को देख लीजिए, मार्च 16 ही खोलते हैं, ठीक है ना, ओके। और ये रहा आपका मार्च 16, यानी आर कॉम जिस समय 60 रुपए के आसपास था, उसी समय से आपको पता था सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देखकर कि इस कंपनी की हालत तो खराब होनी ही होनी है सिर्फ इस जगह पर। तो उसके बाद ये इतना जो डाउन ट्रेंड है इस पूरे से आप बच सकते थे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी होती, क्या कि आरकॉम के कैश रिजर्व और उसके डेट में क्या कंपैरिजन है। हमेशा फ्रेंड्स ये होली ग्रेल्स हैं मार्केट के जो क्लियर सिग्नल्स देते हैं आपको। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, सेशन कितनी देर का हो गया, 13 मिनट का, ओके। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं जो कि है जेट एयरवेज का, ध्यान से देखिए कंपनी का कैश रिजर्व नेगेटिव में है मार्च 14 से और कंपनी का डेट लगातार बढ़ा हुआ था, तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए डेट था और कंपनी का कैश रिजर्व नेगेटिव में है, ये मार्च 14 की बात है। चलिए जरा एक बार चार्ट पर देखते हैं जेट एयरवेज को, मार्च 14 में तो किसी को हवा भी नहीं थी कि कंपनी का ये हाल होने वाला है जेट एयरवेज का, ठीक है, 14। बट कुछ समझदार लोग थे जिन्हें ये पता था, कुछ समझदार लोग थे जिन्हें यह पता था, उसके बाद आर्टिफिशियली जेट के रेट को ऊपर लाया जाता है और फिर वहां से गिराया जाता है। 833 रुपए से गिर रहा था शेयर,
इनसाइडर्स को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी इसकी, अगर आप फंडामेंटल्स देखना जानते हैं तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होगी कि आरकॉम जेट एयरवेज जैसे शेयरों से दूर रहना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी हमने आपको बताया, एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन, क्या है इन्फॉर्मेशन, वो कैश रिजर्व को एनालाइज करना, कंपनी का कैश रिजर्व बैलेंस शीट पर देखना कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ता होना चाहिए, अगर घट रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी का डेट कभी भी कंपनी के कैश रिजर्व से आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने इनकलकेट कर ली अपने प्रैक्टिस के अंदर और लगातार आप इसका ध्यान रखते रहे अपने आगे आने वाले सेशंस में नए शेयर्स ढूंढने के अंदर, तो बहुत चांस है कि आप न केवल बुरे शेयरों से दूर रहें बल्कि अच्छे शेयरों को पहचानने में भी आपको महारत हासिल होगी। इसी एक उम्मीद के साथ में कि आगे आने वाले सेशंस के अंदर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से इनकलकेट करेंगे, इस सेशन से जो सीख रहे हैं उसे यूज़ करेंगे अपने इस प्रैक्टिस में और अपने नए शेयर्स के फाइंडिंग्स में। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए थोड़ी बहुत भी जानकारी लेकर आया होगा। अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और इससे आपको सीखने के लिए क्या मिला। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।